बॉलीवुड इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। जितनी बड़ी इंडस्ट्री है उतनी ही बड़ी तादाद में फिल्मों के निर्माण होते हैं, लेकिन कभी कभी डेट क्लैश होने की वजह से सुपरस्टार्स के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ। बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन के सामने एसएस राजामौली की अपकमिंग फिल्म ट्रिपल आर की रिलीज डेट के ऐलान के साथ ही एक बड़ी मुसीबत सामने आ खड़ी हुई है। नमस्कार, मैं महावीर और आप देख रहे हैं bollywoodcalendar.com। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। दरअसल हाल ही में फिल्म निर्माता निर्देशक एसएस राजामौली ने रामचरण तेजा और जूनियर एनटीआर स्टारर अपनी मच अवेटेड फिल्म ट्रिपल आर की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है। इस फिल्म की रिलीज के साथ ही सुपरस्टार अजय देवगन सोच में पड़ गए हैं। बता दें कि अजय देवगन भी राजामौली की सिनेमैटिक वर्ल्ड ट्रिपल आर का हिस्सा हैं। वो फिल्म में एक अहम रोल में नजर आने वाले हैं। उनके अलावा राजामौली की फिल्म ट्रिपल आर में आलिया भट्ट भी लीड रोल में हैं। वो रामचरण के अपोजिट नजर आने वाली हैं। मगर इस बीच ट्रिपल आर की रिलीज डेट के ऐलान होने से अजय देवगन को एक बड़ा नुकसान हो सकता है। दरअसल राजामौली ने अपनी इस मेगा बजट और मल्टी स्टारर फिल्म को दशहरे के मौके पर रिलीज करने का ऐलान किया है, मगर इसी वक्त अजय देवगन की फिल्म मैदान भी सिनेमा घरों में पहुंचने वाली है। ट्रिपल आर को जहां निर्माता निर्देशकों ने 13 अक्टूबर 2021 पर रिलीज करने का ऐलान किया है, तो वहीं सुपरस्टार अजय देवगन की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म मैदान भी 15 अक्टूबर 2021 के दिन ही सिनेमाघर पहुंच रही है। देखा जाए तो दोनों ही फिल्मों में अजय देवगन है। अगर फिर भी ये फिल्में आपस में टकराईं तो अजय देवगन को खासा नुकसान हो सकता है। अजय देवगन की इस स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म को बोनी कपूर और जी स्टूडियो ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। बात करें मैदान की तो फिल्म में अजय देवगन फुटबॉल कोच के रोल में दिखने वाले हैं, जिसमें अजय देवगन सैयद अब्दुल रहीम के किरदार को पर्दे पर निभाते दिखेंगे। ये तो वही बात हो गई, इधर कुआं उधर खाई। बाहुबली डायरेक्टर एसएस राजामौली ने बीते सोमवार के दिन अपनी अपकमिंग फिल्म ट्रिपल आर की रिलीज डेट का ऐलान किया। रामचरण ने ट्विटर पर पोस्ट शेयर करके बताया कि वो अपनी बिग बजट फिल्म को 13 अक्टूबर 2021 के दिन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज करेंगे। फिल्म ट्रिपल आर में अजय देवगन अहम किरदार में है, जिसकी शूटिंग उन्होंने हाल ही में पूरी की। ऐसे में अजय देवगन पहले ही मैदान को 15 अक्टूबर के दिन रिलीज करने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में किसी को ट्रिपल आर के मेकर्स का यह फैसला समझ नहीं आ रहा। टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए मैदान के निर्माता बोनी कपूर ने बताया कि ट्रिपल आर के मेकर्स ने अजय देवगन से रिलीज डेट के बारे में कोई बात नहीं की थी। अजय देवगन ट्रिपल आर के मेकर्स से अच्छे खासे नाराज हैं। यही कारण है कि उन्होंने ट्रिपल आर की रिलीज डेट का अनाउंसमेंट अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर नहीं किया। इस पे बोनी कपूर अच्छे खासे भड़के नजर आते हैं, क्योंकि बोनी कपूर ने अखबार से बात करते हुए बताया कि वो ट्रिपल आर की वजह से अपनी मैदान की रिलीज डेट नहीं बदलने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था। बोनी कपूर के अनुसार फिल्म मैदान का डायरेक्शन अमित शर्मा ने किया है। उनकी आखिरी फिल्म बधाई हो सुपर हिट रही थी। इन दिनों वैसे ही कंटेंट किंग है, तो मेरी फिल्म अपने आप ही बोलेगी। अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में दशहरा है और उसके बाद ईद है, जिस कारण फिल्म के पास अच्छी कमाई करने का पूरा मौका है। मैंने अब सब कुछ फिल्म की किस्मत पर छोड़ दिया है। बोनी कपूर ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए राजामौली की फिल्म ट्रिपल आर पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है, बाहुबली जैसी सीरीज बनाने के बाद राजामौली के लिए दशहरे जैसे त्योहार की जरूरत क्यों पड़ी है, यह सोचने वाली बात है। तो क्या आप भी इस मेगा क्लैश को लेकर एक्साइटेड हैं? हमें अपनी राय कमेंट कर बता सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए bollywoodcalendar.com।